देन उसके बाद बात आती है आपके व्यूज़ की, कि आप अपने व्यूज़ कैसे लेके आए, लोगों तक अपनी वीडियोस कैसे पहुंचाएंगे, सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएंगे। होप यू ऑल गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन। एंड आज हम बात करेंगे कि हम हमारा खुद का यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट रहती है जो हमें यूट्यूब चैनल बनाने के लिए ध्यान में रखना चाहिए। और सो इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि हम हमारा यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करेंगे, मतलब कैसे उसके सब्सक्राइबर्स आगे बढ़ेंगे, कैसे हमारे लाइक्स आएंगे, किस तरीके से हमारे वीडियोस होना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक है जो हम ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गो, हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सो गाइस, सबसे नंबर वन पॉइंट पर रहता है हमारा एक लीगल जीमेल अकाउंट, क्योंकि बहुत सारे जीमेल अकाउंट होते हैं जो हम फेक बनाते हैं, बट इसके लिए हमें अगर हमें हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है सो हमें एक लीगल जीमेल अकाउंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो उसके लिए हमें सबसे पहले जीमेल अकाउंट ओपन करना है, एंड देन उसके बाद हमें, अगर आपके पास अपना खुद का जीमेल अकाउंट है सो वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपना नया जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं गूगल जीमेल पर जाके। सो नंबर सेकंड थिंग कि ये है कि आपको वही अपना जीमेल अकाउंट जो आपने क्रिएट करा है वही जाके आपको अपने यूट्यूब ऐप पर जाके उसी जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना है, या फिर आपके पास अगर पहले से बना हुआ जीमेल अकाउंट है तो उसी जीमेल अकाउंट से आपको यूट्यूब ऐप पर जाके लॉगिन करना है। देन आपका जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम, आपको इन्फॉर्मेशन सारी फिल करनी पड़ेगी, एंड देन आपका यूट्यूब अकाउंट क्रिएट हो जाए जिसमें आप अपनी बनाई हुई क्रिएटिव वीडियोस अपलोड करेंगे। नंबर थर्ड पे जो आता है वो आता है क्रिएटिविटी, किस तरीके से आप अपनी वीडियो को एक्सप्रेस कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपने व्यूवर्स को एंटरटेन कर रहे हैं, और किस टाइप से आपकी अपनी वीडियोस बन रही है। सो उसके लिए आपको अपनी वीडियोस खुद यूनिक बनानी है, आपको टॉपिक अलग अलग चूज़ करने हैं जो कि रिलेट करे सिर्फ एक ही थिंग से, कि आपका चैनल किस टॉपिक पे या फिर किससे रिलेटेड है। अगर आप मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो सारा टॉपिक वही होना चाहिए कि आप किस तरीके से आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, नई नई चीज़ें बता रहे हैं। और अगर आप अपना चैनल किसी इंटरटेनमेंट या फिर कॉमेडी वीडियोस टाइप बना रहे हैं सो आपको अपने चैनल पर सिर्फ कॉमेडी वीडियोस ही डालनी है। सो ये चीज़ आपको सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर्स ही आपको इसी पर्पज़ से सब्सक्राइब और लाइक करेंगे कि आपने उनके रिलेटेड कोई थीम डाली है। सो गाइस, नंबर फोर जो कि है वो है आपका यूट्यूब स्टूडियो। यूट्यूब स्टूडियो एक ऐसा ऐप है जो आपको यूट्यूब पर नई वीडियोज़ अपलोड करने, उसके एनालिटिक्स और आपके थंबनेल और जितने भी इम्पॉर्टेंट थिंग आपके कहते, कब लाइक्स बढ़ रहे हैं, कब सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, वो सारी डिटेल्स आपको सिर्फ यूट्यूब स्टूडियो से मिलेगी। सो यूट्यूब स्टूडियो ऐप भी आपको डाउनलोड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि आपको पता रहे कि आपके यूट्यूब चैनल की ग्रोथ कितनी हो रही। सो नंबर फाइव थिंग जिसे हम देखते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि आपका व्यूवर आपकी वीडियो क्या देख के ओपन करेगा, सो वो है थंबनेल। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है थंबनेल, जिसे बहुत क्रिएटिविटी से आपको बनाना पड़ेगा। आपके टॉपिक का जो पूरा एक मिक्सचर रहेगा वो आपको पूरा अपने थंबनेल में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, जिसे देख के व्यूवर को पता चले कि हाँ ये वीडियो मेरे काम की है, जिसे देखते से उसे लगे कि हाँ ये वीडियो तो मुझे देखना ही चाहिए। सो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका थंबनेल। आप अपनी वीडियो बनाने से आधा टाइम से ज़्यादा आप अपना थंबनेल बनाने में अपना पूरा
मेहनत लगा दीजिए, सब कुछ लगा दीजिए कि हाँ मुझे मेरा थंबनेल इतना क्रिएटिव बनाना है कि कोई भी देखे, सो उसे वो वीडियो ओपन करना ही पड़े। वीडियो बना ली, अपलोड कर दी, थंबनेल भी आपका बहुत अच्छा है, एंड देन उसके बाद बात आती है आपके व्यूज़ की, कि आप अपने व्यूज़ कैसे लेके आए, लोगों तक अपनी वीडियोस कैसे पहुँचाएंगे, सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएंगे। सो गाइस, सबसे पहली थिंग जो आपको ध्यान रखनी है कि आपकी मेहनत ही है जो आपके व्यूज़ बढ़ाएगी, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ाएगी। सो सबसे पहले शेयर भी आप ही को करना पड़ेगा। सो सबसे पहले अपने फ्रेंड सर्कल्स सो सबसे पहले आपको अपने फ्रेंड सर्कल्स, फैमिली मेम्बर्स, एंड देन जितने भी आपके मेंबर्स हो आसपास, जितने भी हो, उन सभी को आपको शेयर करना पड़ेगा कि हाँ मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट करा है, वीडियोस डाली है। सो धीरे धीरे करके ही आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे। मुझे भी कुछ 3 महीने हुए हैं समथिंग, और अभी मेरे कुछ 500+ सब्सक्राइबर्स है। सो मेरा भी बहुत धीरे धीरे हुआ है। मेहनत करते रहिए, वीडियोस बनाते रहिए, कंटेंट अच्छा लेके आइए, एंड देन उसी के साथ आप रेगुलर रहिए कि हाँ मैं रेगुलर हूँ, वीडियोस टाइम टू टाइम डाल रहा हूँ। सो अभी क्वारंटाइन चल रहा है, सो इसलिए मैं भी बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, तो सोचा आप सभी के लिए घर पर बैठ के एक वीडियो बना दूँ, व्लॉग बना दूँ, कि किस तरीके से आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। सो अभी तक मेरी फैमिली हो चुकी है समथिंग 500+ सब्सक्राइबर्स वाली। सो अभी एडवाइस है बस इतना ही, ग्रोथ हुआ है, एंड देन होप बहुत जल्दी ये क्रॉस कर ले 1K सब्सक्राइबर्स और उसके ज़्यादा से ज़्यादा। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई, सो प्लीज़ हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, एंड देन उसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।